हमारे बारे मेरा नाम जुनैद अहमद है और मैं बैंक में मुलाजमत करता हूँ पाकिस्तान में। मुझे शर्त हासिल है कि मैं तकरीबन 34 मरतबा इस ग्रुप के साथ आ रहा हूँ। सुहेल भाई, कामरान भाई को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। ये हमारे ऊपर खर्च करते हैं, यहाँ पर हमारे बहुत ख्याल करते हैं, लेकिन यहाँ से जो वह ले जाते हैं उसका मुझे ही पता है, इसलिए कि बैलेंस शीट कोई 200-300 करोड़ रुपये से हर साल बढ़ जाती है। उसके अवज ये इस मरतबा हमारे बैस्किन रॉबिन्स बहुत ज़्यादा खिलाया, मैन का कोहली खोल दिया ये कहकर। वो टैक्स वाला भी बैठा हुआ है। सोहेल की खैर नहीं है। दो तीन चीज़ें शेयर करना चाहूँगा। एक तो मैंने मुलाजमत को 41 साल पहले शुरू की थी, और एक शख्स को मैं याद करना चाहूँगा, उनके लिए दुआ भी करना चाहूँगा। वो हमारे प्रेसिडेंट थे आगा हसन आब्दी साहब। वो पहली तालीम जो हमें मिली थी, हमसे बहुत मिलते थे, हम लोग ट्रेनिंग ऑफिसर्स थे, तो कहते थे कि देखो चार चीज़ें हैं जिस पर तुम्हारी ये जो इदारा है उसको कायम है। एक है ह्यूमिलिटी, दूसरी है सर्विस टू ह्यूमैनिटी, तीसरी है सबमिशन टू अल्लाह सुबहान तआला, और चौथी है गिविंग। सबमिशन टू अल्लाह सुबहान तआला, ह्यूमिलिटी, गिविंग एंड सर्विस टू ह्यूमैनिटी। तो हम कहते थे कि ये किस किस्म की बात कर रहे हैं, ये एक कमर्शियल अदारा है, उस पर ये मजहबी बात कर रहे हैं। वो कहते थे जब ये चारों सिफात आ जाएंगे तुम्हारे पास, तो तुम्हारी जो ईगो है, जो तुम्हें कहती है कि तुम बेहतर हो, वो ख़त्म हो जाएगी। जब ईगो ख़त्म हो जाएगी तो तुम्हारे पास तुम एक ज़र्रे के बराबर हो जाओगे, एक पार्टिकल एटम, जिसकी वज़न जो है बहुत कम होती है। और जब तुम एटम में तब्दील हो जाओगे तो तुम्हारा जो डेस्टिनेशन है वो स्पेस होता है, यानी आप हवा में मुअल्लक़ हो जाएंगे, और फिर वो डेस्टिनेशन जो है आपको कहीं भी ले जा सकती है। कोई फिक्स डेस्टिनेशन नहीं, ये नहीं होता कि ऑब्जेक्टिव आपने सेट किया कि आपको 1 अरब से बैलेंस शीट बढ़ानी, नहीं, आपको फिर ऊपर ही जाना है। तो वो अल्लाह सुब्हान तआला एक ऐसी तालीम थी जिसको लेकर हम चले, और हमारे साथ जो लोग थे, जो काम करने वाले थे, बहुत माशाल्लाह, कोई अमरीका से पढ़ कर आया था, कोई इंग्लैंड से पढ़ कर आया था, हमने बहुत मामूली तालीम हासिल की, लेकिन वो चार चीज़ों को याद रखा और वो ईगो को जब किल किया, तो अल्लाह ताला ने 1985 के बाद कोई ऐसा दिन नहीं दिखाया कि अपने करियर में मैं उभर गया। तो ये अल्लाह सुब्हान तआला की बहुत बड़ी नेमत है। दूसरे जो बात करना चाहूँगा, वो शम साहब ने आके बात की है, मैंने इस प्रोजेक्ट को विज़िट किया था, इन्होंने कहा कि जो एनर्जी रिज़र्व है हमारे पाकिस्तान में, वो सऊदी और ईरान के रिज़र्व से बढ़ है। तो ये हमारे मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। आप समझ लें कि जो सऊदी और ईरान की कंबाइंड जीडीपी है, वो पाकिस्तान की जीडीपी के से कोई 20 गुना ज़्यादा तकरीबन, मैं अंदाज़ा करता हूँ। तो हम सबको दुआ करनी चाहिए कि इस पर इनको मुकम्मल तौर पर अल्लाह सुब्हान तआला कामयाबी दे, ताकि ये अगर हो जाए तो फिर पाकिस्तान की किस्मत बनने से कोई नहीं। तो दूसरी है कि मौलाना तारिक जमील और मौलाना सत्तार, जब मैं आ रहा था तो मेरी अम्मा ने कहा कि 90 साल की माशाल्लाह, उनके लिए दुआ कीजिएगा कि हर साल चले जाते हो तुम, बच्चों के साथ ईद करो। तो मेरी बेटी भी पढ़ रही बाहर, वो आई हुई थी, तो मैंने कहा कि मैं जा रहा हूँ, मौलाना साहब से मुलाकात तो होती नहीं, वहीं पर होती है। अच्छा अच्छा, तुम जा रहे हो, मैंने अम्मा से मुलाकात करवाई थी मौलाना तारिक जमील की, मतलब दुबई एयरपोर्ट, ठीक, मेरा सलाम कहना जाके और चले गए थे। तो आपके तवस्सुल से वहाँ से मुझे इजाज़त मिल गई थी अम्मा से आने की, माशाल्लाह। तो तीसरी और आखिरी बात यह है कि यहाँ पे इरफान बाबा हैं, अंसर हैं, वो देख रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ जिस किस्म की खदमात दी देते हैं, अल्लाह सुब्हान तआला उन लोगों के सारे काविशों को कबूल फरमाएँ। हाँ भाई, और बहुत अच्छा तजर्बा रहा, और मुझे दिल चाहता है कि हर साल आएँ। एक रेजोल्यूशन मैंने जो यौम अरफा की थी, वो ये थी कि अपने इस पूरे हज के निचोड़ पे अल्लाह सुब्हान तआला सिर्फ एक चीज़, बाकी जो दुआएं सारी मांगी, मगफरत की मांगी, खैर की मांगी,
मुल्क के लिए मांगी, सारे हजाज के लिए मांगी, लेकिन जो सेंटर ऑफ द रेजोल्यूशन था वो ये था कि अल्लाह सुबहान ताला बच्चों में, हमारे बच्चों में ईमान की ताजगी दे, उन्हें नेक राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए, सो मुश्किलात पर पाबंद बना दें। ये आप सबसे गुजारिश की दुआ करें कि बच्चों की तरबियत हमारे इस तरह से हो कि वह दीन और इस्लाम पर चलना चाहिए। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। उसूलन तो इनको हम सबों के साथ शेयर करना चाहिए, इसलिए हमारी दुआ से होती है, लेकिन चले अगले साल बैसिंग के बजाय कुछ और खास जगह। अब ये क्लियर हो गई। बच्चों के हवाले से जुनैद साहब ने